नमस्कार दोस्तों, जैनिल के हाथ में आपको एक कॉलगेट दिख रहा है, उसको हम ध्यान से देखेंगे। ये पागल सुबह से रो रहा था सिर्फ एक कॉलगेट के लिए, तो अभी हम लोग खरीद के लेके आए हैं। 110 रुपए का कॉलगेट था, ऐसा क्या बात है इस कॉलगेट में, वो हम जैनिल के मुंह से ही सुनेंगे। तो जैनिल बता, इस कॉलगेट में इस बॉल कॉलगेट में मेरे बात है। आप जब देख रहे हो, अब देख रहे हैं ना, ये इसका लाइट के डिटेक्ट, इसकी बैटरी डाउन बनानी है, लाइट बंद करनी है और अंधेरे में चमकता है, बस इतना ही होता है। और उसके लिए 110 रुपए खर्च किए, सिर्फ बॉक्स के अंदर से इतना सा छोटा सा पाउच निकला है, कॉलगेट है ये, पेस्ट है। और इसके लिए सुबह से ये रो रहा था, एक्चुअली इस चीज में कुछ है नहीं, इसको एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा फंड है बच्चों के लिए, जिसमें मैक नाइट ब्रशिंग फंड है। कॉलगेट कंपनी वालों ने बच्चों के लिए ये कॉलगेट निकाली है, उसमें सिर्फ एक ही मैजिक है कि ये जो ऊपर बैटमैन आपको दिख रहा है वो अंधेरे में शाइनिंग मारता है, चमकता है। इसी के लिए बहुत सारे बच्चे से भी ये देखने के लिए, खेलने के लिए पेरेंट्स के पास जीत कर रहे हैं, और सब लोग मैजिक के पीछे पड़े हैं, बैटमैन के, उसके अंदर कुछ है नहीं। तो हम लोग अभी इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, क्यों बच्चे रो रहे हैं इसके लिए, ऐसा क्या है 110 रुपए खर्च करने के पीछे। बताऊं, सबसे पहले मैंने इसको इस ट्यूब को ट्यूबलाइट के सामने थोड़ा रखा है थोड़ी देर के लिए, जिससे लाइट इसके ऊपर पड़े। अब मैं ट्यूबलाइट को बंद करूंगा, जिससे पूरे रूम के अंदर अंधेरा हो जाए। तो यहां पे पूरा अंधेरा हो चुका है और आप लोग मेरे हाथ में देख सकते हैं कि बैटमैन दिख रहा है। इसके पीछे लिखा गया है कि उसको 2 मिनट तक लाइट में रखना है और उसके बाद उसको चेक करना है अंधेरा करके। तो अभी हम थोड़ी देर को बैटमैन को ट्यूबलाइट के पास रखते हैं, जिससे वो चार्ज हो जाए बैटमैन, और बाद में इसको अंधेरे में देखते हैं। अरे वाह, दिख रहा है, अरे वाह दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है यार। यस, नाइस। वायलेंस नाइस। लेकिन धीरे धीरे वो डाउन हो रहा है उसका।